किसी भी पिता को ये लगता है कि मेरे पुत्र की जिंदगी में इतनी समस्याएं आ जाए कि वो हमेशा उससे जूझते रहे और सहारे ले रहे, धरती पर कोई ऐसा पिता नहीं है जो चाहे कि मेरे पुत्र की जिंदगी में दुख आए। मेरा पुत्र हमेशा बेचैनी की जिंदगी को जीए। जब एक संसारी पिताजी के गोद से आज्ञा कर उदय जाना है, परमानेंट व्यवस्था नहीं है उनकी, आज उनके गोद में है, उनके स्नेह की छाव में है, लेकिन कल उनकी गोद लगे। वो एक संसारी पिता जो छोड़ के चले जाएंगे, वो कहीं नहीं चाहते कि मेरे पुत्र की जिंदगी में किसी तरह की दुख हो। तो वो परम पिता जिनकी बदौलत ये पूरी दुनिया चलती है, वो कभी चाहेंगे कि मेरे पीड़े से मेरा बेटा दर्द से कराता है, वो पीड़ा नहीं है। गुरु की पीड़ा क्या है, परम पूज्य गुरुदेव परमात्मा की पीड़ा क्या है, बेटा अगर मैं समाज के लिए जिंदा हूं तो तुम भी उस दर्द में सही हो और अपने लिए तो जानवर की जी लेता है। थोड़ी सी दूसरों के दर्द में भागीदार बन जाओ, वही समाज की सेवा है, पीड़ा वही नहीं है। दूसरा, गुरुवर को दर्द देने का मतलब पीड़ा दे देना, पीड़ा मतलब कष्ट नहीं होता है। अगर हमारे भाई चार महीने के 400 बच्चों को संस्कार शाला में पढ़ाते हैं तो भीड़ संडे को इतनी होती है, लेकिन हर जगह से आता है मैं संस्कार शाला में शिक्षकों की कमी है, क्या उस दर्द में हम सम्मिलित नहीं हो सकते जो गुरुवर का कार्य है, जो दूसरों को अच्छा बनाया है वही गुरुवर की पीड़ा है कि आप अच्छे बन गए दूसरों को भी अच्छा बनाए। इसी का नाम गुरुवर का दर्द है, वो पीड़ा मतलब कष्ट नहीं लेना चाहते हैं, अंतर पीड़ा जो समाज की उन्नति के लिए थोड़ा सा अपने समय का एक अंश निकाल कर और सही रास्ते पर चलने के लिए तत्पर हो गए, वो उनके पीड़ा का शरीक हो गए, वो उनके दर्द को समझते हैं, अपने लिए सारे लोग जीते हैं। आपके यहाँ हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट बार बार यहाँ से बताया जाता है, हमारे बहुत से भाई बहनी है, अनुभव उनका आप पढ़िएगा तो आपको आश्चर्य होगा। प्रभु पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, न उसका भाग्य कोई बना सकता है न कोई बिगाड़ सकता है। आज हम आप अपना पूरा भाग्य इंस्टीट्यूट वालों पर छोड़ दिए हैं, यहाँ पे जाएंगे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा लेंगे, हमारा भाग्य का निर्माण हो जाएगा। इस धरती पर अगर कोई इंस्टीट्यूट होता जो भाग्य का निर्माण करता तो सारे विद्यार्थी उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते, जिसकी अंदर आत्मा जग जाती है उसका भाग्य निर्माण हो जाता है। अंदर आत्मा को जो झुड़ के जगाते सही मार्ग पर चलाते उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम गायत्री महामंत्र है। बहुत से भाई शामिल हुए हैं, हम दो भाई को यहाँ बुलाएंगे जो ये बताने का प्रयास करेंगे कि आज के 5 दिन पहले जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं किए थे तब आपके विचारों में क्या था और वर्तमान में आपके विचार में क्या परिवर्तन हुए, आप क्या क्या सीखे। मनीष नाम के कोई लड़का थे, वो किए हैं क्या, वो आए हैं नहीं आए? जो भाई आए हैं पिछला पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किए हैं उनमें से जो भाई आएंगे यहाँ आके अपना अनुभव शेयर करेंगे, क्या होता है आप उनके मुंह से सुनिएगा। 5 दिन पहले तक उनकी जिंदगी क्या थी, कैसे थी और 5 दिन तक नियमित आने के बाद उनके जिंदगी में क्या परिवर्तन।